Thank you.
Thank you.
अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरवतिषे गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तदभक्ताय यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्य द्वैपायनो विरह कातरया पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं तवैवास्मि न जुवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे तं नयमाम चरणं मैं सर्वप्रथम अपने परमाराध्यतम श्रील गुरुपाद पद्म श्री चरण कमलों में कोटि कोटि बार सष्टांग दंडोतीत और प्रणति ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात अपने शिक्षा गुरु ओम विष्णुपाद सुतर श्रीमद भक्ति दैत माधव गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में भी कोटि कोटि बार सत्सरण दंडवती प्रणति ज्ञापन करता हूँ। आप लोग अभी मेरे साथ गोदारी के तट पर राय रामानंद और महाप्रभु जी के जहाँ संवाद हो रहा है वहाँ पर पहुँचिए। कल हमने बतलाया था राय रामानंद जी ने ये बतलाया गोपियों का कृष्ण के प्रति प्रेम सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ है और उसमें संतों की निष्ठा भक्तों की सेवकों की सेवा सखाओं की असंकोच ममता सेवा वात्सल्य का लाल्यापाल्य भाव सब कुछ गोपियों में है और वो विशेष करके अपने सर्वांग के द्वारा कृष्ण की सेवा कर सकते हैं। इसलिए सबसे श्रेष्ठ यह गोपी प्रेम है और उसमें हमने
न पारे हम निरबद्ध संजुजान, कि सनातन गोस्वामी की टीका से भी मैंने बतलाया। उसमें मुख्य बात की थी साधारण रूप में गोपियों के ऋण को कृष्ण नहीं चुका सकते, देवताओं जैसी आयु लंबी आयु पा करके भी उनका संजोग जो है गोपियों के साथ में, उनकी सेवा जो वासना है अत्यंत निर्मल है। कृष्ण बहुनिष्ठ हैं और गोपियाँ एक निष्ठ हैं, किंतु एक विशेष बात सनातन गोस्वामी ने बतलाया सशब्द का संधि विच्छेद कर अर्थ बतलाया, सु असाधु। तुम्हारे जो हमारे प्रति असाधु कृत्य हैं उसका ऋण मैं नहीं चुका सकता। असाधु माने गोपियों ने कृष्ण को क्या बतलाया, मन में एक बाहर में एक, धूर्त चोर लंपट सठ और यहाँ तक कहा जन्म से उतना का वध किया नारी वध, और विशेष करके गोपियाँ जो कात्यायनी व्रत कर रही थी उनको उलंग देखा, धर्म का विपरीत काम किया, और पीछे से गोपियों के घरों में चोरी मक्खन की और झूठ बोले जो मैंने नहीं खाया, और रास में समस्त गोपियों के साथ में नृत्य किया। यह धर्म का उल्लंघन जो आप में है, और तुम लोग जो हमारी इस प्रकार से निंदा इत्यादि करती है, इससे मुझको ब्रह्मा की स्तौ स्तुति से भी यह अच्छा लगता है। तो यह असाधु कृतकारिणी जो हमको प्रेम के उल्लास में उनके लहरियों में डुबाता उतराता है, उसका ऋण मैं कभी नहीं चुका सकता। और विशेष करके कृष्ण का रूप मनमत मनमत कब होता है, गोपियों की टोली में होता है, और उसके लिए हमने मनमत मनमत का श्लोक का हमने व्याख्या की है, और भी श्रीमद्भागवत में भी लिखा गया, तत्राति सुशुभे ताभिर भगवान देवकी सुत मध्य मणिनांग हेमानांग महामर्पतो यथा तत्राति सुशुभे। कृष्ण गोपियों के मध्य में रास के समय में ऐसे सुशोभित हुए जो कभी नहीं हुए, जिसको देख करके अपने को भी भूल जाते हैं, और ऐसे रूप का स्वादन करना चाहते हैं राधिका जैसे। तत्राति सुशुभे सुशुभे ताभीर भगवान, यहाँ पर सनातन कृष्णदास कविराज गोस्वामी बतला रहे हैं हेमानांग मणिनांग, रास में जब रास होने लगी तो कृष्ण कैसे सुशोभित हुए, बड़े सुशोभित हुए, जैसे स्वर्ण मणि में समूह में मणिनांग, मणिनांग माने सोने की गोल गोल मणियां हों, बहुत से मणियां बहुवचन, और ताभी ताभी माने बहुवचन, गोपियां बहुत हैं, कोटि कोटो करोड़ों हैं, उन करोड़ों में गोपियां मध्य मणिनांग गोपियां हैं स्वर्ण वर्ण की,
हेमानंद स्वर्ण की और कृष्ण देवकी सूता एक वचन, देवकी सूता एक वचन है ना, तो ये कृष्ण कैसे महामरकत की भांति सुशोभित हो रहे हैं। अब देखो गोपियां तो हैं कैसी, करोड़ों गोपियां स्वर्ण की गोल गोल मालाएं जैसी, उनके समूह में कृष्ण कैसे सुशोभित हो रहे हैं। इंद्रनीलमणि, इंद्रनीलमणि कैसी होती है, कुछ कुछ श्यामल, श्यामन नहीं। कृष्ण का रंग कैसा है, अंग कांति श्यामल है, किंतु उनके बीच में जो सुशोभित हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं, मरकत। मरकत माने क्या कहते हैं, अंग कांति कुछ श्यामल आभानीय है। कैसी, गोपियों के आलिंगन से कृष्ण का पीतव, कृष्ण का उनके पीत वर्ण से सोने के रंग से कुछ उनका श्यामल वर्ण ढक गया है। आलिंगन कर रही हैं ने तो उनकी कांति स्वर्ण की है, सोने की, और उससे कृष्ण की आभा जो श्यामल अधिक है वो ढक करके कुछ कम हो गई है। कैसी, कुछ पीताभ श्यामल। क्यों, गोपियों ने जब आलिंगन किया तो उनके पीत अंग कांति से कृष्ण का श्यामल अंग कुछ ढक गया और उस पर उनकी अंग कांति की परछाई पड़ने लगी। इससे जो अधिक श्यामल थे न होकर के पीताभ श्यामल कुछ पीत रंग के दिखाई पड़ने लगे। उस समय में गोपियों के सौंदर्य से आच्छादित होकर के कृष्ण का मरकत की भांति हेम मणि के बीच में, लाखों गोपियों करोड़ों गोपियों के बीच में और भी सुंदर हो गई मरकत की भांति। अर्थात गोपियों के अंग कांति से कुछ उनकी अंग कांति ढक जाने से कुछ पीताभ उनकी कांति हो गई और यह कांति बहुत ही सुशोभित होती है। करोड़ों गुण कृष्ण का शोभा बढ़ जाता है और अति सुशुभे, सुशुभे माने अतुलनीय सुशोभित होती है। ऐसी कभी उनकी कभी शोभा नहीं हुई जैसे गोपियों के समाज में, और जब वो आलिंगन करती हैं या कृष्ण आलिंगन करते हैं तो उनकी पीत वर्ण की अंग कांति से उनका श्यामल कांति ढक जाता है और एक बहुत सुंदर रंग निखरता है। उसमें आत्म पर्यंत चित्त भोक्ते श्री राधिके, व अपनी कांति को भी स्वयं राधिका की भांति आस्वादन करने का लोभ उनके अंदर में उठता है। भगवान, भगवान है ना, भगवान सर्व ऐश्वर्य पूर्ण, सर्व शोभा संपन्न, ऐश्वर्य और माधुर्य गुणों से परिपूरित, सौंदर्य की पराकाष्ठा है भगवान कहने से। किंतु देवकी सूत कहाँ, क्यों, क्योंकि यशोदा का नाम भी देवकी है इसलिए कहा। यहां पर एक चीज है, प्रश्न है, हो सकता है ताभी करोड़ों गोपियां उनके बीच में, यहां तो है बहुवचन किंतु कृष्ण वहां पर राशमंडल में अकेले थे या बहुत थे, क्योंकि देवकी सूत एक वचन कहा है, एक ही देवकी सूत एक वचन है और मरकतः
गोपियों के बीच में मरकत मणि भी एक वचन है, और फिर देवकी सूत भी एक वचन है। क्यों? वो एक थे राशमंडल में या करोड़ों थे? एक ही थे ऐसा तो मालूम होता है, किंतु आप विचार इसमें करेंगे। किंतु अगला जो श्लोक है इसके बाद में श्रीमद् भागवत में, उसमें लिखा है मेघ चक्र बिरेजु, बिरेजु मेघ चक्र। तो मेघ चक्र किसको कहते हैं? मेघ का जहाँ चक्र है, चक्र माने समूह है, ये मेघ चक्र क्या है? कृष्ण है, और उसके बीच में गोपियां, और उसके संपर्क से वे मरकत होते हैं। यहाँ मेघ चक्रु बिरेजु जो लिखा है, श्रीधर गोस्वामी जी टीका में कहते हैं नाना मूर्ति कृष्णे मेघ चक्रिमम इव विशेषता। क्या लिखते हैं टीका में? कहते हैं मेघ चक्र चक्र चक्रे बिरेजु नाना मूर्ति कृष्ण में। क्या एक रूप में नहीं? आगे तो बतलाया ऐसा, तो यहां पर कैसे सिद्धर स्वामी जी कह रहे हैं मेघ चक्र माने श्यामल मेघ का समूह, इसके लिए बतलाया रासोत्सवे संप्रवित्ते संप्रवित्तो गोपी मंडल मंडिन जोगेश्वरेण कृष्णेन तासंग मध्ये द्वयो द्वयो। क्या तात्पर्य? रासोत्सवे संप्रवित्तो, रासोत्सव आरंभ होने पर गोपी मंडल मंडित, गोपी मंडल अर्थात करोड़ों करोड़ों गोपियों से के बीच में जोगेश्वर जो कृष्ण हैं, तासंग मध्य द्वय द्वय उन दोनों के बीच में, दो दो के बीच में एक होकर के नित्य किया, और राधा जी के पास भी एक, राधा जी के पास भी एक और गोपियों के साथ में नित्य कर रहे हैं उनके साथ में प्रत्येक, और इस तरह से दो दो गोपी के बीच में एक कृष्ण, और द्वय द्वय भीतर दो गोपियों के बीच में एक कृष्ण, और दो कृष्ण के बीच में एक कृष्ण एक गोपी। तो इसका क्या तात्पर्य हुआ? जोगी जोगेश्वर है ना, इसलिए करोड़ों करोड़ों कृष्ण हो गए, और हो करके एक एक गोपी के साथ में नित्य कर रहे, और यही कारण था राधा जी के एक साथ और इन गोपियों के एक साथ गोपियां देख नहीं रही, और राधा जी ने देखा जी हमारे साथ भी, इसलिए रास छोड़ करके अकेले निकल गई। पहले कृष्ण नहीं निकले, ये राय रामानंद बतला रहे हैं चैतन्य महाप्रभु जी। महाप्रभु सोच रहे हैं कि हो आनंद की धारा बह रही है नदी की, उसमें डूब उतर आ रहे हैं। इसमें इहार मध्य राय कहे इहार आगे पूछे है न जौन एत दिन नहीं ज्ञानी आछे भुवने। इसके बाद में कोई पूछने वाला है जगत में? मैं नहीं जानता। इहर मध्य राधा प्रेम साध्य शिरोमणि, इनके बीच में ना? राधा जी का प्रेम शिरोमणि है। कैसे शिरोमणि है इसका हम व्याख्या करके अभी बतलाएंगे। अब तुम इसकी व्याख्या करो। प्रतिभात ना
अब यहाँ जो बतला रहे हैं उसको बतला रहे हैं। খুঁজে পেলাম ছিল বলে যে আমি দর্শক করি আমার সঙ্গে আসলো বলছে যে সে ওখানে আসতে হবে খাজা প্রসাদ ওখানে It contains all the elements which are present in the other rasas. The nisha, attentiveness to Krishna of Kshatras. The seva, which is present in dasya, bhav, servant's mood. Asalpot seva, uninhibited service due to feelings of equality and intimacy. And mamata, possessiveness present in sakya mood. These Palan Poshan, the feeling I must nourish and protect Krishna, which is present in Vatsali mood. And although all of these are present in Madhurya Rasa, it has its own extra elements, exclusive elements. Nijanga Diya Karina Sevan, they can serve with all the limbs, all senses. So Krishna said to Gopis, Na Pariyam Nira Bhatya Samyudyam, I can never be free from my indebtedness to you, even if I have a lifespan as vast and extensive as great demigods. Our meeting together is nirmal, completely pure, it is totally devoid of the slightest trace of self-interest. Krishna admitted that he was bahunishta, but Gopi's love was ekanishta, and therefore he was unable to reciprocate. And specifically yesterday from the commentary of Srila Sanatana Goswami, Krishna said, Swa sadhu kritya. Your own sadhu kritya, very munificent activities. So if this word, the sandhi, is broken in Sanskrit, then swa sadhu becomes su asadhu. Chosuru, or very asadhu. Unmeritorious activities, such as what? Criticizing Krishna. Saying, Krishna, your heart says one thing and your mouth says another. So you have duplicity, you're dirt, you're a cheater, you're a thief, you're lampad, debauchee, sribad. You have a habit of killing women since your childhood. You're a thief, you steal butter. Or you have stolen all the clothes of the gopis who had done Katyani Vrat because you wanted to see them naked. And you dance with all the wives of other men's wives in Ras Lila. So you transgress all religious principles. So Krishna feels that when the gopis insult him in this way,
then this is more nectar to him than even Brahma Stuti, the prayers of great demigods such as Lord Brahma. So Krishna admitted to them, I can never repay you for your unprecedented love. We heard how Krishna manifests Manmata Rup only in the assembly of the gopis. So now, that was the summary of yesterday's lecture. Now Srila Gurudev is moving on to the next verse, which is spoken by Rai Ramananda from Ras Panchajaya. Chatrati Sushube Thabi Bhagavan Devaki Sutta Madhya Manina Mahimanam Mahamarakato Yata. In this verse, Shukadeva Goswami Pad is saying, oh, there is such unprecedented beauty of Krishna when he met with gopis in Rasa Lila. How is he beautiful? He's saying, Madhya Manina Mahimanam Mahamarakato Yata. Just like if there is a gold mala, a necklace made of shining gold, and in this there are jewels set in this gold necklace, then how attractive it looks. Krishna's beauty at the time of Ras is so wonderful that Krishna himself, seeing his own beauty, he forgets her mind and impetuously wants to embrace himself as Radhika does. So, here a question comes. Krishna's angakanti, the complexion of his limbs, is sham, like a fresh rain cloud. But here he is described as marakata. So, marakata. This marakata is emerald, little jewel. It's a Mahamarakata named jewel. I know this jewel. It's a jewel. I am saying, I have read this jewel is emerald. Like? It's green color. Green color, yes. Green color, yes. Emerald, not sapphire. Generally, Krishna is called. But when the shadow of. Golden color, then more beautiful. So, Krishna is generally called Indranilamani. This is bluish color, sapphire, in English sapphire, blue jewel. But here, Krishna has been described in the assembly of gopis as marakata, marakata in English called emerald. So emerald is green, but Krishna is